यूपी बीएड काउंसलिंग 2023 सभी छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रही है काउंसलिंग डेट को लेकर के। इसके अलावा गवर्नमेंट सीट कितने रैंक वालों तक मिल सकता है वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो दो अपडेट होने वाले हैं जो कि एकदम लेटेस्ट अपडेट हैं, आप सभी छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अंत तक बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो भी बातों को समझ पाएंगे। इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, हर अपडेट सबसे पहले दिया जाएगा। और आगामी आप कहीं से भी बीएड करें तो आपके लिए मददगार होगा ये चैनल, तो इसलिए इस चैनल से जुड़कर रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। साथ ही साथ अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जुड़ जाएंगे आप लोग। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जुड़ने से आपको हर अपडेट नोटिस, इसके अलावा जो टैबलेट स्मार्टफोन की लिस्ट वगैरह हैं वहाँ पर मिल जाएंगी, तो जुड़कर रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे इसमें जो गवर्नमेंट सीट है वो कितने रैंक तक वालों को मिल सकता है, तो चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है कब से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर आप सभी छात्रों को बताना चाहूँगा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि बीएड काउंसलिंग की जो सीटें रहती हैं, जिनके रैंक कम आते हैं, जिन स्टूडेंट का, उनमें से बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो कि एडमिशन नहीं लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, इसलिए नहीं लेते हैं कि उनको रेगुलर क्लास करने जाना पड़ेगा और तमाम चीज़ें होती हैं। बहुत ये होता है कि उनके ज़िले में ना मिले, दूसरे ज़िले में मिले, तो काफ़ी कारण हैं जिस वजह से वे छात्र जो हैं गवर्नमेंट सीट को छोड़ देते हैं और नहीं करते हैं। इसके बाद वो प्राइवेट सीट पर एडमिशन अपना करा लेते हैं, वहीं पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप सभी छात्रों को बता दूं, रैंक से आपको मतलब होना चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी छात्रों का रैंक यहाँ पर लगभग 30,000 है, ठीक है, लगभग 30,000 रैंक तक के छात्र जो हैं वो गवर्नमेंट सीट के दावेदारी में हैं। उनके भी चांसेज हैं कि सीटें बचती हैं या फिर सही काउंसलिंग आप लोग करते हैं तो आपको मिल जाएगा। और जो मेरिट भले अच्छी पा रहे हैं, लेकिन अगर गलत काउंसलिंग करेंगे, एक ही डाइट को चुनेंगे, सॉरी एक ही गवर्नमेंट सीट को चुनेंगे, तो उनको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो काउंसलिंग के समय आपको ध्यान रखना है। और लगभग जो 30,000 छात्र हैं उनके चांसेज हैं कि उनको गवर्नमेंट मिल सकता है, ठीक है। ये रही आपकी बात गवर्नमेंट सीट की। अब चलिए बात करते हैं जो आपकी काउंसलिंग है कब से है। ये आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, जैसा कि इन्फॉर्मेशन कल के माध्यम से आपको दिया गया था चैनल की तरफ से, और उसमें बताया गया था। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि काउंसलिंग जल्द शुरू होने जा रहे हैं और 10 अगस्त के बाद काउंसलिंग का आगाज होने का उम्मीद है। जैसा जानकारी आपको कल दिया गया था उसी के अनुसार आपके लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। तब तक विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष के सभी परिणाम जारी करने होंगे। और ये देखिए एक बड़ी अपडेट आ रहा है कि इसमें बताया गया है कि 10 अगस्त तक हर हाल में यूजी अंतिम वर्ष के परिणाम जारी करने में जुटा है। तो देखिए हर यूनिवर्सिटी जिन्होंने अभी तक नहीं जारी किया है वे जुट गए हैं, और 10 अगस्त से पहले ये समझ लीजिए उनको रिजल्ट हर हालत में दे देना है, क्योंकि जो शासन है। और देखिए हाँ, इसमें बताया गया कि स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम में देरी के चलते अब तक बीएड काउंसलिंग शुरू नहीं हो सकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये 10 अगस्त बताया गया है, तो 10 अगस्त से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको लगभग वही 14 अगस्त जो मिल रहा है वहाँ से काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसमें ध्यान रखेंगे कि 10 अगस्त तक सभी यूनिवर्सिटियों को रिजल्ट 2023 घोषित कर देना है, जिससे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू कराई जा सके।